गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज रेणुका रिया व्लॉग्स। और आप देख रहे होंगे कि दांश मेरे बालों पे कोम कर रहा है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम जा रहे हैं मेरी एक बहुत ही अच्छी कॉलेज फ्रेंड है नेहा वार्ष्णेय, उसकी बेटी का आज बर्थडे है तो हम वहाँ तक जाएंगे उससे मिलने। और इसने दोपहर की ही पार्टी रखी है बिकॉज उसके रिलेटिव और उसके इन-लॉज वगैरह सब पास में ही रहते हैं तो वहाँ से सब लोग आएंगे और इस वजह से उसने दोपहर की ही पार्टी रखी कि शाम को सब अपना टाइम से निकल भी जाएँ, किसी को लेट ना हो। वैसे सही है, दोपहर की पार्टी भी कभी कभी एंजॉय करनी चाहिए ना। तो बस दिनेश हो रहे हैं रेडी और रिदांश हमें रेडी है, रिदांश कोम कर रहा है मेरी बालों को और अब हम निकलेंगे और आपको भी वहाँ पे मैं ले चलूँगी अपने साथ, तो बनी रहिएगा आज पूरे ब्लॉग में। बस हम नेहा की सोसाइटी में पहुंच गए हैं, ये गाज़ियाबाद में रहती है और आज जैसे मैंने बताया उसकी बेटी का बर्थडे है तो बस हम जा रहे हैं ऊपर, आप सबसे मिलवाती हूँ और उसके इन-लॉज वगैरह आए हैं तो देखती हूँ कि इनसे आपसे मिलवा सकती। ये है मेरी फ्रेंड नेहा, लिटिल वार्ष्णेय व्लॉगर की मम्मी, इनका अपना चैनल है और ये बहुत मेहनत करती है। मैं लिंक मैं इसके चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप जरूर चेक करना यार। एक छोटे से बच्चे के साथ व्लॉगिंग करना, ये नहीं व्लॉग करती है, बेबी व्लॉग करती है, सिर्फ शूट करती है तो आप जरूर देखना, एडिटिंग भी। हाँ तो ये सब पूरी मेहनत करती है यार। मैं अपना दिखाती हूँ तो मुझे मालूम है कितना मुझे एफर्ट्स लगते हैं, तो ये एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत सारे DIY शेयर करती है तो आप जरूर चेक करना। और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बहुत ही फास्ट फ्रेंड है नेहा, हम बहुत टाइम से नहीं मिले तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी। और आप कुछ बोलना चाहेंगे आज बेबी का बर्थडे, आपको कैसा लग रहा है? बाकी सब लोग ब्लॉग में देख ही रहे हैं। अरे यार लिटिल वार्ष्णेय ब्लॉगर, ये रही आज इसका बर्थडे। हेलो बोलो, अनुष्का कर दी है, कोई बात नहीं। सानवी क्यों गुस्सा हो रहे हो? केक कट करना है। सानवी केक कट करना है तो चलो आ जाओ फिर कटिंग करेंगे, आ जाओ आ जाओ। सोच रही होगी सब तो आ रहे हैं इतने लोग और कुछ हैपनिंग सा नहीं हो रहा है, सब अपने अपने में बिजी है यार, गेम्स भी कराना है बच्चों का। सनवी आओ, गुच्छा नहीं करो, चलो। तो गाइस ये मनी है नेहा की भाभी और ये नेहा की देवरानी हर्षिता। कैसा लग रहा है आप लोग को बर्थडे में? बच्चों की चिल्लवान सुन रहे हो? गेम्स होंगे तो ये ना इनको यहाँ पे बिठाया गया बच्चों को मॉनिटर करने के लिए कि बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे, और इनको भी बोल दिया कि आप भी खा सकते, हाँ खुद भी खा रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। सही बात है। क्या खा रहे हो आप लोग? कृष्णा आप क्या खा रहे हो? खाओ बेचारा सोच रहा है। सब स्टार्ट कर लेंगे, आप करो अपना। सानवी सानवी रिदांश यू ऑल्सो हैव इट यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम? फूको फू हो जाएगा, मैं करूँगी, आप पहले अपना पिज़्ज़ा फिनिश करो, चलो। प्लेट चाहिए आपको? मैं दे रही हूँ। यहाँ नेहा के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उसकी मम्मी, उसकी बुआ, फूफा जी, उसके कज़िन सब बैठ के अपना लंच कर रहे हैं। पहले वो कि लंच करते हैं, बाद में केक। यारी बर्थडे, अरे अरे देख रही दीदी। चलो चलो सानवी, चलो चलो, बर्थडे गर्ल आ रही है। मम्मी
केक मैं ले आई हूँ और आपको जो पीछे बैक डेकोरेशन दिख रही है वॉल पे, वो सब गगन जीजू ने किए, यानी कि नेहा के हस्बैंड ने। वैसे तो यार ऑनलाइन अब सब कुछ मिलता है, शॉप पे भी मिलता है, बट घर में खुद से करना, लगाना, इतने एफर्ट्स डालना, टाइम निकालना, इट्स नॉट ईजी। तो बस मैं केक यहाँ पे रख रही थी, देख रही थी किस साइड। नहीं आप काटो, जानवी इट्स योर बर्थडे। अरे वो आलो आलो केक आलो आलो अरे मैं पीने का पीने का पीते हो। हां हां सही में जाओ केक काटो। चलो मम चलो चलो आ जाओ। चलो जानवी सीधा पकड़वा चाहिए इधर आ जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आ गया डियर सानवी, बर्थडे टू यू। क्यों गुस्सा सानवी? गुस्सा हो गई वो। चलो कोई क्लैप नहीं करेगा। हाँ हाँ नो, क्या हुआ? इधर ऐसा कहीं। अच्छा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मामा गड़बड़ कर रहे हो। हाँ मामा ने सबसे पहले क्लैप करी थी। ये पता नहीं। तो बस केक कटिंग सेरेमनी हो गई है और ये सानवी की यानी बर्थडे गर्ल की दादी हैं, उसको केक खिला रही हैं। पीछे जो आपको ब्लू दुपट्टे में दिख रही है वो नेहा की बुआ जी हैं और यहाँ सानवी बिजी है। यार बच्चे बिजी हो जाते हैं ना केक वगैरह कट करने में, उनको मज़ा आता है। और रिदांश देख रहा है कि मुझे कब खिलाया जाएगा, हालांकि वो ऑलरेडी पहले खा चुका है। और जो ब्लैक टी शर्ट में है वो नेहा के हस्बैंड हैं और बस ये रिदांश को सानवी खिला रही है और रिदांश भी बहुत एक्साइटेड था। बच्चे यार हो जाते ना केक खाने के लिए, तो ये सानवी को बताया जा रहा है कि सबको खिलाओ। और ये मैं और धीरेज जी पीछे, मैंने इनको भी ले लिया है। तो बस अब फोटो सेशन होगा, जैसे वन बाय वन सब लोग आते हैं फ़ोटो सेशन के लिए। तो ये सानवी की बचपन की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, कभी मैं जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और ये नेहा के भाई और भाभी और ये आई थिंक कोई इसके कज़िन भाभी हैं, मैं भी मिल नहीं पाई सबसे। और ये नेहा के उसको गेम खेलना है, वो पता नहीं कौन सा गेम बता भी रहा है। सानवी सानवी इसको नींद आ रही है। हाँ क्या कर रही हो मम्मी बार बार है ना सानवी गुस्सा हो रही है। नींद आ रही है इसको, नींद आ रही है इसका। पिछली बार भी यही हुआ था ना।
कैसे इधर सानवी को हग करके आओ, प्यारी भी कर दो सानवी को जाके। यहाँ पे लंच टाइम चल रहा है, जो कुछ लोग रह गए थे वो अब लंच कर रहे हैं। और इसने थाली बाहर से मंगा ली थी, ये भी सिस्टम मुझे अच्छा लगा कि आप बाहर से मंगा लो एंड देन घर में उसको सर्व अपने अपने हिसाब से आप लोग थाली एक एक सबको दे दो। तो बस ये अब हम वापस जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी अच्छी रही, गेम्स का भी प्लान था बट काफ़ी लेट हो गया, तो दोपहर का टाइम था तो बच्चों को नींद आ रही थी तो गेम्स नहीं किए गए, उसे गिफ्ट मिल गए हैं सबको। तो बस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग्स?